काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। चीन भारत की सीमा में घुसा है, उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूँ, अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। हमारे देश में मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दों पर डिबेट करता है। आजकल तो वह एक ही मुद्दे पर अलग अलग एंगल बनाकर डिबेट कर रहा है, पर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आज भी उन्हीं मीडिया डिबेट्स में असल मुद्दे उठाते हैं और बेबाकी से सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल करते हैं और मीडिया एंकर को टोकते भी दिखते हैं। आज हम ऐसे ही एक नेता की बात कर रहे हैं जिनका नाम है आशुतोष। आज हम उनकी डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें वे मीडिया को टोकते दिखाई दे रहे हैं। आज तक पर कांग्रेस के मुद्दे पर डिबेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र हुआ। एंकर अंजना ने आशुतोष से इस पर सवाल किए। जब आशुतोष ने अपने जवाब में मीडिया की आजादी को लेकर टिप्पणी की, तब अंजना परेशान दिखाई दी और सवाल करने लगी, जिस पर आशुतोष ने अंजना के सवाल को करारा जवाब दिया। तो जी, आप तो हमेशा से ये कहते रहे हो, न जाने कितनी बहस इस पर हम दोनों के बीच में ही हो गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है देश में, लोगों को सवाल पूछने में बोलने में डर लग रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, और वो हिम्मत से बोलते हैं, कब तक बोलेंगे भगवान। ये जो तमाम मीडिया हाउसेस की आप बात कर रहे हैं, ये आपके कल्पना के पंख हैं या आपके पास इसका प्रमाण है? जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती, अगर आधार है प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। खूब है, और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। एनडीटीवी पर सुशांत केस में मीडिया ट्रायल पर डिबेट हुई। इस डिबेट में न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया भी डिबेट में मौजूद थे। एंकर ने आशुतोष से मीडिया ट्रायल को लेकर सवाल किया। आशुतोष ने मीडिया पर कुछ इल्जाम लगाए, जिस पर दीपक चौरसिया भड़क उठे और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। 35-40 दिन लगातार और 70% टीवी कवरेज, मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया क्या? और इनको मालूम क्या है? सेक्युलर जर्नलिज्म आ गया यहाँ पे। महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी, महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी। पत्रकार लोग महाराष्ट्र सरकार कर रहे हैं, जिसने सरकार ऐसे अपनी जमीन गवा दी, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से हो रहा है मामला, जुडिशरी पर किस तरीके के दबाव पड़ रहे हैं, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का मसला, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस क्या होनी चाहिए कि पड़ोसी का कहीं पहरेदार मिल जाए, कहीं कोई गार्ड मिल जाए, कहीं कोई कुक मिल जाए, आप उसके आधार पर तो आप भी इन सब के बारे में लिखते रहते हैं ना, बहस तो हो रही है हिंदी में, बहस हो रही है। अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। आज तक पर इमरजेंसी की तुलना आज के समय से करने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने आशुतोष से सवाल तो किया, पर प्रेस फ्रीडम पर टिप्पणी को लेकर तंज कसा, जिसका आशुतोष ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आशुतोष, क्या देश में बोलने की आजादी नहीं है? आप अक्सर ये बात लिखते हैं, तो आज बोल के बताइए कि बोलने की आजादी नहीं है? किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए तब स्वतंत्र था मीडिया। मुझे इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल। सर नहीं, ये तो गलत सवाल। सवाल अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या सर? लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए, क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है? क्या मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में? मैं आपकी तारीफ करूंगा, अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है, उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूँ। न्यूज नेशन पर राम मंदिर के विषय में डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कम्युनलिज्म को लेकर आशुतोष से सवाल किया। आशुतोष ने बीजेपी नेता संबित पात्रा को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने पर सच बोलने को कहा। जब संबित के बचाव में एंकर दीपक आए,
तो आशुतोष ने दोनों को चुप करवा दिया। आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने, छोटे हो या बड़े, ये नहीं माना कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई है। तो संबित पात्रा ये बताएं कि वो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। संबित पात्रा, आप जानना चाहते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ आशुतोष जी, हिस्टोरिक उत्तर रहेगा। आशुतोष जी आपने बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए, हिस्टोरिक नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं नहीं आशुतोष, बीजेपी ने गिराई या नहीं गिराई ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब आप नहीं मानते मस्जिद गिराई आप लोग। एक सेकेंड, यही आपका द्वैत है, यही आपकी हिपोक्रेसी है, यही आपकी हिपोक्रेसी है। आप बोलिए बाबरी मस्जिद गिराई या नहीं गिराई। भगवान राम ने गिराया उस कलंक को, और हम भगवान राम के हिम्मत नहीं है आपकी हाँ ना में जवाब देने। अरे सुनिए, हिंदुत्व क्या, सुनिए ना, सुनिए, अगर मानिए ना आज तक पर कंगना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने शिवसेना की कंगना का ऑफिस तोड़ने की कार्रवाई पर सवाल किए, जिस पर आशुतोष ने एंकर का ध्यान बाकी मुद्दों पर लाने की कोशिश की और इन मुद्दों को नजरअंदाज करने पर उन्हें टोका भी। अगर बोलिएगा तो बुलडोजर चलेगा, ऐसी नौबत आ गई है महाराष्ट्र की। पूरी बहस ये पूरी की पूरी बहस बेमानी है, क्योंकि एक फिल्म स्टार है और उसके घर को लेके डिमोलिशन हो रहा है तो चर्चा हो रही है। इस देश के अंदर रोज हजारों लाखों गरीबों का झोपड़ा बिना किसी नोटिस दिए और बिना कुछ किए उजाड़ दिया जाता है, और सारे राज्यों की सरकारों के तहत ही होता है, तब कहीं कोई बहस नहीं होती। ऐसा पूरे देश में होता है और ऐसा पूरे देश में भी होता है कि कॉर्पोरेशन की आंख के नीचे। आप बोलिए सर, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है ना, अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए ना। मैं आपकी बात से पूछ रहे हैं सर, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं, जवाब दीजिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, मुझे मत दीजिए, जवाब दीजिए। अब आपने बुनियाद सवाल उठा दिया है, आप दीजिए जवाब। एक फिल्म स्टार जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको 2018 का नोटिस मिला हुआ है, उसके मकान में बुलडोजर चलता है, तो सारे मीडिया में बीजेपी तमाम लोग आके उसको डिफेंड करते हैं। आशुतोष पहले खुद भी पत्रकार रह चुके हैं, बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, इस वजह से वे खुल के मीडिया की आलोचना करते हैं। आशुतोष अक्सर मीडिया और बीजेपी नेताओं का ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित करते हैं जिन पर मीडिया कभी डिबेट नहीं करता। हम उम्मीद करेंगे कि वे आगे भी सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल ऐसे ही करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।